गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 दैट इज असेसमेंट एंड ऑडिट। इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ पढ़ेंगे जो 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखने जैसा टॉपिक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इट्स 100% कोर थियरी तो थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो चलेंगे, ऐसा नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो वी नीड टू स्टे फोकस। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज असेसमेंट ऑफ ऑडिट। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम? जनरली इंट्रोडक्शंस, थोड़े रिलेवेंट डेफिनेशंस, सेक्शन 61 स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, समरी असेसमेंट इन स्पेशल केसेस। ये 2 सेक्शन पड़ेगी जो आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट इज सेक्शन 65 एंड सेक्शन 66, दैट इज ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज एंड स्पेशल ऑडिट। ओके, तो इंट्रोडक्शन में उतना कुछ खास नहीं क्योंकि आपको ऑडिट और असेसमेंट ये सब वर्ड आपके लिए बहुत कॉमन है। तो भी बेसिकली क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन में, व्हाट इज द नीड ऑफ असेसमेंट एंड ऑडिट? तो दे आर टेलिंग अ सप्लायर विल कम टू नो टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी व्हिच हैज़ टू बी डिस्चार्ज ऑन कंटिन्यूस एंड रेगुलर बेसिस ओनली आफ्टर असेसमेंट। असेसमेंट इंक्लूड्स और असेसमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एंड इट इंक्लूड्स सेल्फ असेसमेंट, री असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट एंड बेस्ट। यानी देखिए, असेसमेंट के अंदर सब चीज़ कवर हो जाती है। असेसमेंट इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट, री असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये सब चीज़ बारी बारी हम डिटेल में लेंगे ही। सबसे पहले वो लोग क्या बोल रहे हैं कि GST इज़ ए ट्रस्ट बेस्ड टैक्सेशन। ट्रस्ट बेस्ड टैक्सेशन यानी क्या? गवर्नमेंट ऐसा मान ही लेगी कि आप परफेक्ट अकाउंटिंग कर रहे हो, आप परफेक्ट GST भर रहे हो, हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए वो सिर्फ पीछे से ऑडिट लेके आए कि भाई 2 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होगा तो आपको GST का ऑडिट करवाना पड़ेगा। असेसमेंट अलग अलग तरीके से वो लोग करेंगे। अगर आप जवाब नहीं देते हो उनको, वो सवाल जो पूछते हैं उसका, तो फिर वो अपने तरीके से भी असेसमेंट करेंगे जिसको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बोलते हैं। सो इन शॉर्ट, असेसमेंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको मज़ा आ जाएगा, ध्यान रखोगे आप यहाँ पे। GST इज़ ए ट्रस्ट बेस्ड टैक्सेशन। When an assessee is required to self-assess his return and tax liability without intervention of tax officer. तो self-assessment तो खुद ही करना है। Therefore, a tax regime that relies on self-assessment has to put a robust audit mechanism and ensure that compliance of the provision of law by taxable person. What is audit? Audit देख लेते हैं। What is audit as per section? Section 2, subsection 13. It means examination of records, returns and other documents maintained and furnished by registered person under GST Act or the rules made thereunder or under any law for time being in force to verify the correctness of turnover declared, tax is paid, refund claimed, input tax credit availed. ये सब चीज़ देखनी है आपको। Everything is covered under audit. Turnover declared, taxes paid, refund claimed, input tax credit availed and assess the compliance with the provision of GST and rules made therein. Chapter जो है वो deal करेगा section 59 to 64 के related to assessment और audit की sections आएगी 65 and 66, जो मैंने आपको बोला कि वो आपको याद रखना चाहिए। Okay, 65 and 66 you should remember, पहले audit by tax authorities and then special audit. ऑडिट आपको पता होगा, अभी CA भी कर सकते हैं और CWA भी कर सकते हैं, दैट इज़ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। उनको अलग से राइट मिल गए हैं जो CS को नहीं मिले, कंपनी सेक्रेटरी को नहीं मिले। इट इज़ विद CA एज वेल एज ICW। देन वी गो विद द रिलेवेंट डेफिनेशन। असेसमेंट क्या है? तो अभी हमने देखा असेसमेंट इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट, री असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ऑडिट की डेफिनेशन अभी देखी हमने, इट इंक्लूड्स एग्जामिनेशन ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन्स एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट। कॉस्ट अकाउंटेंट जो मैंने आपको बोला CWA या CMA, उसका CMA नाम भी फेमस है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट उनका पुराना नाम था। ये दोनों लोग ऑडिट कर सकते हैं। प्रिस्क्राइब बाई रूल्स एंड प्रॉपर ऑफिसर मीन्स डिपार्टमेंट पर्सन ऑफिसर, सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट पर्सन और देयर कमिश्नर और Someone who is assigned the work by commissioner. अभी स्टार्ट करते हैं मेन सेक्शन से। सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट, दैट इज सेक्शन 59। वॉट इज सेल्फ असेसमेंट? एवरी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट सेल हिमसेल्फ
assess the tax payable by him himself, यानी आपको खुद ही tax ascertain करना है और खुद ही tax भरना है, उसे बोलते हैं self assessment. Payable by him for the tax period and after such assessment he shall file return required under section 39. खुद आपको tax calculate करना है, खुद return भरना है, सब खुद करना है, उसे हम क्या बोलेंगे, self assessment. Second is interesting now, this they can ask, और ये पीछे के chapters के साथ भी connected रहेगा. Provisional assessment. Now question is that sir, what is provisional assessment? So situation demanding provisional assessment. Provisional assessment क्या होता है कि आपको खुद सेल्फ असेसमेंट करना था लेकिन आप कर नहीं पाए. सर क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आपको प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या था, उसका वैल्यू क्या निकालना है वो आपको नहीं पता चला, तो वैल्यूएशन आप कर नहीं पाए. वैल्यूएशन नहीं कर पाए उसकी वजह से टैक्स का कैलकुलेशन नहीं कर पाए. या मान लो आपको पता था प्रोडक्ट का वैल्यू ये है, लेकिन आपको क्या नहीं पता था, टैक्स का रेट नहीं पता था कि सर इस पर 12% लगेगा कि 18%. तो ऐसी सिचुएशन में सेल्फ असेसमेंट करना डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि आपको काफ़ी सारी इनपुट्स नहीं पता थी. ऐसी सिचुएशन में प्रोविजनल असेसमेंट विल कम इन टू पिक्चर. सर व्हाट इज़ प्रोविजनल असेसमेंट, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ फिर अंदर से पढ़ेंगे. कि ऐसी सिचुएशन में हमें पता नहीं चलता है वैल्यू क्या है, हमें पता नहीं चलता है रेट क्या है, तो हम डिपार्टमेंट को क्वेश्चन पूछेंगे कि सर हमें नहीं पता चल रहा है कि व्हाट टू डू. सो इन दैट सिनारियो डिपार्टमेंट विल गाइड यू कि भाई हमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ऑड है या आपका वैल्यूएशन में पता है हमें भी कम चल रहा है, हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए. तब तक एक काम करते हैं कि भाई आप एडहॉक 12% रेट के हिसाब से भर दीजिए, ऐसा आपको बोलेगी डिपार्टमेंट. यानी हम क्या करेंगे, हमें एग्जैक्ट रेट पता नहीं है इसलिए गवर्नमेंट ने बोला 12 तो हम 12 पे भर देंगे. अभी 3 महीने बाद 6 महीने बाद जब गवर्नमेंट एनालिसिस करके बोलेगी आपको कि सर आपको 12 नहीं 18 भरना है, तो फिर आपको डिफरेंशियल 6% भरना पड़ेगा. और अगर वो बोलते हैं नहीं सर 12 नहीं आप 5% में आते हो, तो फिर वो आपको डिफरेंशियल रिफंड देंगे विद इंटरेस्ट. ओके, तो प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है, जब हमें एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं रहती कि कौन सी अमाउंट पे टैक्स भरना है, कौन सी वैल्यू पे टैक्स भरना है या कितने रेट पे टैक्स भरना है, तो ये आएगा. ओके, चलो अभी देखते हैं अंदर. प्रोविजनल असेसमेंट इज अ मेथड ऑफ डिटरमिनिंग टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ करेक्ट टैक्स लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ सप्लाई. द मेजर डिटरमिनेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी आर जनरली एप्लीकेबल टैक्स रेट जो हमें नहीं पता, या फिर वैल्यू जो हमें क्लैरिटी नहीं आ रही. There might be situation when the determinants might not be readily ascertainable and subject to outcome of the process requires deliberation and time. So when a taxable person is unable to determine value of goods or supply or both, या tax rate applicable on goods and services by him, he may furnish an application. आपको एक application देना in a prescribed form stating the reasons for the payment of tax under provisional basis. With the documents in support of his request. Electronically through a common portal, either directly or through facilitation center by commissioner. Now proper officer may on the receipt of application, जब proper officer को आपकी request मिलेगी, he will issue a notice in a prescribed form requiring the registered person to furnish additional information. वो आपसे additional information मांग सकते हैं on request. Application shall file and reply to notice and he may appear in person also. ऐसा भी हो सकता है वो आपको बुलाए वहाँ पे कि सर आप पर्सनली एक बार आ जाइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको पर्सनली भी जाना पड़ेगा बिफोर द सेड ऑफिसर इफ ही सो डिज़ायर्स. और उसके बाद क्या होगा, प्रॉपर ऑफिसर शैल इश्यू एन ऑर्डर, वो एक ऑर्डर इश्यू करेंगे अलाउिंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस. फिर जैसे मैंने आपको बताया, वो आपको बोल देंगे कि भाई एक काम करिए आप अभी 12% के हिसाब से भर दीजिए, फिर हम देखेंगे. The value and rate both on which assessment is allowed on provisional basis and the amount on which, वो आपसे bond भी मांग सकते हैं security angle से, which is executed and security is to be furnished not exceeding 25% of the amount covered under bond. अभी देखो generally ये सब चीज़ का उतना importance नहीं रहता था as per old pattern. अभी नए pattern में क्या है, MCQ आ जाएंगे तो जहाँ जहाँ percentage आते हैं, days आते हैं, तो थोड़ा burden final के students पे बढ़ जाएगा in my opinion. तो ऐसी सब चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको कि भाई प्रोविजनल असेसमेंट के वक्त
आपको बॉन्ड देना पड़ेगा, वो कितना नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द अमाउंट कवर्ड अंडर द बॉन्ड, इज इट ओके. फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी, द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस मे बी अलाउड इफ टैक्सेबल पर्सन एग्जीक्यूट्स अ बॉन्ड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी. बैंक गारंटी के फॉर्म में भी आप सिक्योरिटी दे सकते हो. फॉर एन अमाउंट एज प्रॉपर ऑफिसर में डीम फिट बाइंडिंग टैक्सेबल पर्सन फॉर द पेमेंट ऑफ डिफरेंस. जैसे मैंने बोला कि अभी आपका रेट वो लोग बोलेंगे और फिर बदल भी सकता है, इसीलिए आपको डिफरेंस के लिए सिक्योरिटी देनी है, तो बैंक सिक्योरिटी भी चलेगी. ए बॉन्ड विच इज फर्निश्ड टू प्रॉपर ऑफिसर अंडर सेंट्रल और स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी शैल बी डीम्ड टू बी बॉन्ड फर्निश्ड अंडर रूल्स देयर अंडर एंड द अमाउंट शैल इंक्लूड आईजीएसटी सीजीएसटी यूटीजीएसटी सब आ जाएगा. ओके, तो अमाउंट जिसका बॉन्ड दे रहे हो इट इंक्लूड्स फॉर ऑल टैक्स पर्पस. नाउ फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट. ऐसा नहीं है कि प्रोविजनल असेसमेंट वो अपनी मर्जी से करेंगे, एक साल बाद करेंगे, दो साल बाद करेंगे, ऐसा नहीं. उनके पास भी टाइम फ्रेम गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि भी आपको इतने टाइम में तो बोल ही देना है कि क्या असेसमेंट में क्या रेट आएगा या क्या वैल्यू आएगा. फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट. फाइनल असेसमेंट ऑर्डर हैज़ टू बी पास बाई प्रॉपर ऑफिसर विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट. However, sufficient cause being shown and for the reasons to be recorded in writing, the above period of 6 months may be extended. कितना? Joint Commissioner, Additional Commissioner further not exceeding 6 months, वो 6 months का आप further 6 months कर सकते हो अगर Joint and Additional Commissioner बोलेंगे तो. By the Commissioner for such further period as they deem fit but not exceeding 4 years. यानी Commissioner के पास फिर से 4 years. यानी आप देखने जाओ तो पहले 6 महीने, फिर से 6 महीने, फिर 4 साल. सो ओवरऑल प्रोविजनल असेसमेंट अगर उनको खींचना है डिपार्टमेंट को तो कितने साल तक ले जा सकते हैं? मैक्सिमम 5 इयर्स तक. देन फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ असेसमेंट प्रॉपर ऑफिसर शैल इश्यू ए नोटिस इन ए प्रिस्क्राइब फॉर्म कॉलिंग फॉर सच इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड एंड शैल इश्यू फाइनल असेसमेंट ऑर्डर स्पेसिफाइंग द अमाउंट पेएबल और रिफंडेबल. रिफंडेबल इसीलिए मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपने ज़्यादा टैक्स भर दिया है तो फिर वहाँ पे आपको रिफंड लेने का भी आ सकता है. ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको डिफरेंशियल पे करने का ही आए. नेक्स्ट इज वेदर टैक्स लायबिलिटी एज पर फाइनल असेसमेंट इज हायर देन द प्रोविजनल असेसमेंट. सो अगर आपका टैक्स लायबिलिटी एज पर फाइनल असेसमेंट इज हायर देन प्रोविजनल असेसमेंट, शांति से देखिए, टैक्स लायबिलिटी ऑफ फाइनल असेसमेंट इज हायर देन प्रोविजनल असेसमेंट, यानी आपको टैक्स ज़्यादा भरने का है, आपने 12% भर दिया था, डिपार्टमेंट ने बोला उसीलिए, और फिर डिपार्टमेंट ने आपको बोला कि नहीं सर आपको 18 भरने का आएगा, तो यहाँ पे आपको डिफरेंशियल 6% भरने पड़ेंगे. सो टैक्स बिकम्स ड्यू कॉन्सिक्वेंट टू द ऑर्डर ऑफ फाइनल असेसमेंट एंड रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन द टैक्स ड्यू नॉट पेड एट स्पेसिफाइड रेट एंड द डेट ऑफ टैक्स शैल बी ड्यू फ्रॉम द पेड ऑफ ओरिजिनली डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट. यानी वो डिफरेंस आपने जब 12% भरा था तब से लेके आज के ऑर्डर तक आपको डिफरेंशियल भरना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ. इन सिंपल वर्ड्स द टैक्स अमाउंट बिकम्स पेएबल सब्सिक्वेंट टू फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट देन इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड रेट विल ऑल्सो बी सब पेएबल बाय द सप्लायर फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट वेदर सच अमाउंट इज पेड बिफोर और आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर फॉर फाइनल असेसमेंट. ये डेट कैसी, आप ध्यान से देखोगे, इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू कस्टम्स फ्रॉम द फर्स्ट डे. कस्टम्स में भी उस तरह के ही प्रोविजन है. और रिवर्स केस क्या होगा, इफ द टैक्स लायबिलिटी एज पर फाइनल असेसमेंट इज लेस देन प्रोविजनल असेसमेंट देन टैक्स बिकम्स रिफंडेबल कॉन्सिक्वेंट टू द ऑर्डर ऑफ फाइनल असेसमेंट, आपको रिफंड मिलेगा एंड द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी पेड इंटरेस्ट एज स्पेसिफाइड इन रेट 56 इमीडिएटली आफ्टर. यहाँ पे देखने जैसा है एमसीक्यू के एंगल से, उनको पैसे चाहिए तो तुरंत लेना शुरू करेंगे, उनको पैसे आपको देने हैं एसएससी को तो वो लोग बोलते हैं हमें 60 डेज तो चाहिए ऑर्डर के बाद, क्योंकि हमें पूरे इंडिया में रिफंड देने का होता है इसीलिए हम आपको इमीडिएट पैसे नहीं दे सकते, हमें 60 डेज टाइम चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. सो वो आपको पैसे देंगे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54(1) टिल द डेट ऑफ रिफंड ऑफ सच केस. इन सिंपल वर्ड्स,
In case tax amount becomes refundable subsequent to finalization of provisional assessment, then interest subject to refund and unjust enrichment is always there. Means if you have bad the load of tax, then they will give you refund. अगर आपने लोगों से ही लेके टैक्स गवर्नमेंट को दिया है तो वो आपको रिफंड नहीं देंगे, वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाएगा. अनजस्ट एनरिचमेंट, आई होप यू नो, नो वन कैन बिकम रिच एट द कॉस्ट ऑफ अदर. यानी हम लोगों से जीएसटी ले, गवर्नमेंट को भरे और रिफंड हम अपने अकाउंट में ले, ऐसा नहीं होगा. गवर्नमेंट आपको पूछेगी पैसे आपने अपनी जेब में से भर रहे हैं तो हम आपको रिफंड देंगे. कस्टमर से लेके ही आपने हमें दिया है तो फिर वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाएगा. रिलीज ऑफ सिक्योरिटी, जैसे ये ट्रांजैक्शन पूरा खत्म होता है प्रोविजनल असेसमेंट का तो सिक्योरिटी आपकी रिलीज हो जाएगी. द एप्लीकेंट मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑफ सिक्योरिटी फर्निश्ड आफ्टर द इश्यू ऑफ फाइनल असेसमेंट ऑर्डर. प्रॉपर ऑफिसर से रिलीज द सिक्योरिटी आफ्टर एंश्योरिंग दैट एप्लीकेंट हैज पेड द अमाउंट स्पेसिफाइड इन फाइनल ऑर्डर एंड इश्यू एन ऑर्डर विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन. तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स आपका एक सिंपल सा